brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सिकरी लोकसभा क्षेत्र है और यहां से कांग्रेस पार्टी ने कारगिल युद्ध में शामिल एक सैनिक को मैदान में उतारा। पूर्व सैनिक हैं रामनाथ सिकरवार और उन्हें आगरा की खेड़ागढ़ विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं वो, और इस बार लोकसभा के टिकट पर उन्हें कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा। आप इस भीड़ को भी देख सकते हैं कि उनके रैली में जब प्रियंका गांधी फतेहपुर सिकरी पहुंची तो कितनी भीड़ दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में फतेहपुर सिकरी लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में गई। कांग्रेस ने रामनाथ सिकरवार और उनके समर्थकों पर फतेहपुर सिकरी लोकसभा सीट को अब वहां के लोगों को लेकर और फतेहपुर फतेह करने के लिए छोड़ दिया है। भरोसा जताया है कि वहां के लोग फतेहपुर सिकरी को फतेह करके कांग्रेस को देंगे। लेकिन एक नाम जिसकी चर्चा खूब हो रही है वो कांग्रेस के ही उम्मीदवार हैं, क्योंकि ये पूर्व सैनिक भी रह चुके हैं और कारगिल युद्ध में शामिल भी थे। बीजेपी ने इस सीट से मौजूदा सांसद राजकुमार चाहर को प्रत्याशी बनाया है। दोनों के बीच में मुकाबला कितना टफ होगा ये आप इस भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भीड़ भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। फतेहपुर सिकरी लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार पूर्व सैनिक है। लोकसभा सीट के प्रत्याशी घोषित होने पर रामनाथ सिकरवार ने कहा था कि मैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता और पूर्व सैनिक को लोकसभा की बड़ी चुनौती संभालने की जिम्मेदारी दी है। उन्होंने ये बात टिकट मिलने के बाद कही थी। हालांकि उनके चर्चा काफी हो रही है, उनके बारे में कई बातें कही जा रही है, लेकिन रैली के दौरान प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है वो बयान भी सुन लीजिए, उसके बाद आपको इस सीट के बारे में बताते हैं। आपको ये भी बता दें बयान से पहले कि राहुल गांधी के साथ ये भारत जोड़ो यात्रा भी कर चुके हैं और उस वक्त उनसे मुलाकात भी हुई थी, उसके बाद चर्चा हुई थी कि आखिर ये सैनिक कौन है जो राहुल गांधी के साथ चल रहा है। हालांकि ये पहले उम्मीद तो नहीं थी कि वहां से इन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने फतेहपुर सिकरी से इन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। प्रियंका गांधी का बयान सुनिए। आपको रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? इस 5 किलो राशन के बोरे पर आपको निर्भर बनाना चाहते हैं, ये आपकी आत्मनिर्भरता नहीं चाहते हैं। अगर चाहते तो क्या अग्निवीर जैसी स्कीम लाते हैं? अगर चाहते तो ये जो 30 लाख पद खाली पड़े केंद्र सरकार में 10 सालों में क्या इनको नहीं भरते? अरे बहुत व्यस्त रहे हैं दुनिया में भ्रमण करते हुए, कभी आप अमेरिका में दिखते हैं, कभी रूस में दिखते हैं, कभी कहीं दिखते हैं, लेकिन आपके पास नहीं आते, आपकी समस्याओं को नहीं समझते। जिसके पास बहुत सत्ता हो जाती है वो अक्सर अहंकारी हो जाता है। दुनिया में भ्रमण करते हुए कभी आप अमेरिका में दिखते हैं, कभी रूस में दिखते हैं, कभी कहीं दिखते हैं, कभी चीन के प्रधान के प्रेसिडेंट के साथ झूला झूलते हैं, लेकिन आपके पक्ष नहीं आते, आपकी समस्याओं को नहीं समझते। कारगिल युद्ध में घाव लेकर अपने गांव लौटे रामनाथ सिकरवार फतेहपुर सिकरी में गरीबों की एकमात्र आवाज है। 20 वर्षों से एक मंदिर में रहते हैं और इनकी एकमात्र गाड़ी में आपको दरी और बाल्टी, जो आप कह सकते हैं दरी मतलब चादर होता है, चादर और बाल्टी हमेशा मिलेगा। जिस गांव जाते हैं वहां बीच में बाल्टी रख देते हैं और जनता जो मदद देती है, जनता से जो मदद मिलती है वो उसी से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले चुनाव में मात्र 1% मतों से चुनाव वो हार गए थे, लेकिन इस बार फिर से चुनावी मैदान में है। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपने साथ 2 जोड़ी कपड़े साथ में लेकर चलते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे अद्भुत जमीनी ईमानदार प्रत्याशी और एक सच्चे जन नेता के सभी आदर्शों को आत्मघात किए हुए पूर्व फौजी, जो न्याय अन्याय के युद्ध में दरअसल अब जनता का फौजी बन चुका है, जिसकी चर्चा खूब हो रही है, न सिर्फ फतेहपुर सिकरी में बल्कि देश भर में इसकी चर्चा खूब हो रही है।
रामनाथ सिकरवार साल 2004 में सेना से रिटायर्ड हो गए थे और इसके बाद से ही वो लोगों की सेवा में जुट गए। आपको बता दें कि रामनाथ सिकरवार खैरागढ़ के एक आश्रम में रहते हैं और उन्हें कभी भी कहीं भी जाना होता है तो वह अपनी साइकिल से ही जाते हैं। यहां तक कि अपना नामांकन दाखिल करने के लिए भी वो साइकिल से ही पहुंचे थे। वो सिकरवार अपने साइकिल से ही नामांकन दाखिल करने पहुंचे, जिसकी चर्चा हुई और काफी सुर्खियों में भी बने रहे। उनके सादगी वहां के लोगों को भी प्रभावित करती रही है, कितना सादगी से वो दिखते हैं। आप इस वीडियो में भी देख लेंगे कि जब प्रियंका गांधी रैली कर रही हैं तो वो लोगों से हाथों का इशारा करते हुए दिख रहे हैं कि आप लोग आगे चलिए। आपको ये भी बता दें कि जाट बाहुल फतेहपुर सिकरी को माना जाता है और इस लोकसभा सीट पर 2019 में बीजेपी से राजकुमार चाहर ने 4,51,000 वोट से जीती थी ये सीट। और इसी के साथ ही बीजेपी पार्टी ने राजकुमार चाहर को फिर से यहां पर चुनावी मैदान में उतारा है। राजकुमार चाहर को बीजेपी का किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया गया है। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में अगर चाहर के सामने एक सैनिक फौजी है तो देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिर इस बार के चुनाव में कौन ज्यादा किसको टक्कर दे पाता है। फिलहाल जब 4 जून को परिणाम आएंगे तभी इससे पर्दा उठ पाएगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक।